हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने जा रहे हैं मल्टी बैगर फाइव पोर्टफोलियो स्टॉक्स फॉर 2023 एंड बियॉन्ड। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को जो है आप कंप्लीट देखिए। इसमें कुछ हम इकोनॉमिक्स की बात भी करेंगे आज। इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो देखते हैं दोस्त कि आज के वीडियो के अंदर क्या है। पहले तो सबसे मैं आपको पहले बात बता दूं कि जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं उनके हाथ दोनों हाथों में लड्डू हैं। ये दोनों हाथों में लड्डू कैसे हैं इसकी भी हम बात करेंगे, और इंडिया की जो इकोनॉमिक पोजीशंस है एट प्रेजेंट उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो में रहिए मेरे साथ, चलते हैं आगे, देखते हैं वीडियो के अंदर क्या है, कौन से स्टॉक्स जो हैं हाईली स्पेसिफिक स्टॉक्स आज आपके लिए चुन के लाया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास स्टॉक है वो स्टॉक है प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स का। प्रीमियर एक्सप्लोजिव आपको नाम से ही पता होगा कि ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक्सप्लोजिव्स में डील करती है, और इसके Q1 के रिजल्ट्स आए थे जो बहुत धुआंधार रिजल्ट्स थे। दोस्तों, अगर मैं आपसे रिजल्ट में जाने से पहले मैं आपसे अगर एक और बात करूँ तो देख लेते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये हम कहाँ से, किस वेबसाइट से हम ये रिजल्ट्स फॉलो करते हैं या चुन के लाते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ rediffmail.com। तो आई हैव गॉन टू दिस rediffmail.com। rediffmail.com के बाद मैंने यहाँ पर ये देखे, इधर मैंने मनी को क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने मनी को क्लिक किया मेरे सामने ये एक इंटरफेस आ गया है। इस इंटरफेस में देखिए रियल टाइम कोड के नीचे दिया हुआ है नाम भरने के लिए, तो यहां मैं डाल देता हूं प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स। ये प्रीमियर का नाम दिया तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव सीधा आ गया है। अब इसके जरा रिजल्ट्स में, जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में भी बताया कि रिजल्ट्स में जाने के लिए आपको ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाना पड़ेगा इसके, राइट। तो जब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे गए तो इस पे हम तीन पैरामीटर्स चेक करते हैं, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो ये देख लीजिए जो सेल्स है ये कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज हो रही है। ये क्वार्टर टू क्वार्टर भी सेल इंक्रीज हुई है और ईयर टू ईयर भी सेल इंक्रीज हुई है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जिसको हम एबिट मार्जिन बोलते हैं वो क्वार्टर टू क्वार्टर जो है ये एकदम डबल से भी ज़्यादा हो गया है, और ईयर टू ईयर जून टू जून में अगर आप देखें तो ये भी करीब ढाई गुना बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंपनी है उसके पास पैसा भी है काम करने के लिए और उसके पास सेल्स भी है। इसका ज़रा नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट जो है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट क्वार्टर टू क्वार्टर तिगना हो गया है, और ईयर टू ईयर जो है ना ये करीब करीब 4-5 गुना बढ़ गया है। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमको ये कहाँ से ये चीज़ें कलेक्ट करनी है। एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि आपको rediffmail में जाना है। rediffmail में जाके आपको मनी पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे नाम डाल के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर आना है। यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। तो चलिए, मैंने इन सब चीज़ों को यहाँ ऑलरेडी लिख लिया है। तो सेल्स यू नो हैज़ इंक्रीज्ड बाय से रफली अबाउट 10%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हियर यू कैन सी हैज़ इंक्रीज्ड बाय अबाउट 3 times। नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज़ गॉन अबाउट से 5 to 6 times और 7 times। फ्रेंड्स, प्रीमियर एक्सप्लोसिव के बारे में जो मेरे पास खबर है वो खबर ये है कि प्रीमियर एक्सप्लोसिव इज एन इंडिया बेस्ड कंपनी दैट इज प्राइमरीली एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाई एनर्जी मटेरियल एंड अलाइड प्रोडक्ट्स फॉर डिफेंस, स्पेस, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री। द कंपनी हैज़ जोग्राफिकल प्रेजेंस इन इंडिया एंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत पुरानी कंपनी है, धंधा कर रही है। एक्सप्लोसिव का धंधा जो होता है एकदम निश होता है, लेकिन मेक इन इंडिया प्रोग्राम की वजह से इसको जो ऑर्डर्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज़्यादा मिलने चालू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये देखें कि नेट प्रॉफिट मार्जिन हैज़ गॉन 3 times क्वार्टर टू क्वार्टर एंड 5 to 6 times ईयर टू ईयर। होता है क्या किसी प्रोडक्ट में दिखता है? रेयरली दिखता है। तो मेरा जो पहला स्टॉक है 2023 का, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टॉक है ये एक साल के अंदर ये स्टॉक दुगना ढाई गुना होने का फुल चांस है। अगला स्टॉक देखते हैं बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल।
बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कलकत्ता की कंपनी है जो कि बहुत सारे जो बीकाजी के या जो फूड्स हैं जो ग्रॉसरी शॉप्स के ऊपर बिकते हैं, इसकी सेल्स देख लीजिए, 400 क्वार्टर टू क्वार्टर 458 से 470 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58 से 64 और प्रॉफिट मार्जिन 8 से 9.20 और 100% इंक्रीज, 100% से ज़्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर। ऑथेंटिक इंडियन फूड है, नई कंपनी है, रिसेंटली इसका IPO आया था, इस टाइम करीब 350 के बीच में इसका शेयर प्राइस है 200। मुझे लगता है कि अगर इस शेयर को आप रखेंगे साल दो साल तो ये जो शेयर है ये कहीं भी जा सकता है और ये 1500-2000 भी चला जाए, आज 300 रुपये का शेयर, 350 रुपये का शेयर, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, आज से 5 साल पहले या 8 साल पहले इंडिया जो था वो अमेरिका से और चाइना से दोनों जगह से माल खरीदता था, दोनों के माल में बहुत फर्क था। अमेरिका से जो हम खरीदते थे और जो आज भी खरीदते हैं वो हम खरीदते थे एंड प्रोडक्ट्स फॉर आवर डोमेस्टिक यूज़, जैसे कि एरोप्लेन है, सबमरीन्स है, आर्म्स है, एम्यूनिशन है, कोका कोला है या पेप्सी है या मैकडोनल्ड के मसाले हैं, इस तरह की चीज़ें जिसको हम खुद कंज्यूम कर लेते थे लेकिन आगे बिजनेस नहीं कर सकते थे। और क्या करते थे, ये तो जो अमेरिका से हमारी कंजम्पशन थी ये हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए थी, लेकिन जो चाइना से हमारी कंजम्पशन थी वो थी जैसे फार्मास्यूटिकल का जो है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल मटेरियल, मोबाइल फोन्स, मेटल, स्टील, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, और ये जो चीज़ें थी ये सब चीज़ें क्या होता है कि इन चीज़ों के हमको स्पेयर पार्ट्स या रॉ मटेरियल टाइप में मिलता है हमको, उसको यहाँ पर प्रोसेस करके इंडिया अपना बिजनेस करती थी, उससे इंडिया पैसा कमाती थी। लेकिन अमेरिका से जो हम लोग इम्पोर्ट करते थे उससे हम पैसा नहीं कमाते थे। आज क्या हुआ है, आज पिछले 10 साल के अंदर 8-10 साल में जो चेंज आई है, मेक इन इंडिया, एवरीथिंग मेक इन इंडिया, इसकी वजह से इंडिया जो है वो कंजम्पशन कंपनी हो गई है, कंट्री हो गई है जो पहले थी, और साथ साथ ये एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से हमको फ़ायदा हो रहा है। चाइना से इम्पोर्ट करो या इंडिया में मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करो, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो बिजनेस है ना वो जो है पहले जो इम्पोर्ट करते थे वो आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं और कंट्रीज़ के अंदर, ये फ़र्क हो गया। और इंडिया आज की तारीख में कंज्यूमिंग कंपनी नहीं है बल्कि एक एक्सपोर्टिंग कंपनी बन गई है, भले ही हमको जो माल है वो कहीं से आए, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारी जो डिफेंस सेक्टर के अंदर कितनी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, मेटल्स में कितनी ज़बरदस्त एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, देर इज़ नो एंड टू इट, एंड वी आर प्रोग्रेसिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो चलिए अब दूसरा स्टॉक देखते हैं बीकाजी के अलावा, दूसरा स्टॉक हम बीकाजी के अलावा देखते हैं तो वो है ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज़। दोस्तों, ये ज़ेंसार टेक्नोलॉजी जो है ये रैलीज़ ग्रुप की कंपनी है और ये ग्लोबल कंपनी है एक्चुअली। इसके जो अगर हम फंडामेंटल देखें, फंडामेंटल हमको वैसे ही चेक करने हैं रेडिफ मेल पे जाके, मनी पे जाके, क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब आप देखिए इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो सेल्स हैं 435 करोड़ से बढ़ के हो गई है 490 करोड़, और क्वार्टर टू क्वार्टर 477 करोड़ से 490 करोड़ के 489 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप है क्वार्टर टू क्वार्टर 113 से 128 करोड़, और ईयर टू ईयर जो है ये ऑलमोस्ट अबाउट 50% जंप है। अगर आप देखें इसका जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 24 से 25-26% हो गई है, लेकिन जो जून से ग्रोथ है ये जो है 20% से 26% हो गई है। तो हर जगह जो है ग्रोथ भी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा है और सेल्स भी ज़्यादा है, आपको और क्या चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ज़ेंसार टेक्नोलॉजीज़ ये करती क्या है। इट्स ए ग्लोबल कंपनी एंड दे डू बिजनेस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, IT सर्विसेज इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस सर्विसेज, रिटेल एंड कंज्यूमर सर्विसेज, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफेंस सेक्टर। ये दोस्तों है जिसको बोलते हैं कि आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर में जो है दैट इज इट इज सप्लाइंग गुड्स टू और सर्विसेज टू इसरो, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है विच इज़ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर भी इसकी एक अच्छी खासी प्रेजेंस है। तो
ये जो कंपनी है Zensar टेक्नोलॉजी, ये इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रोइंग कंपनी। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, दोस्तों ये जो कंपनी है शिप बिल्डर्स, आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि दिस इज दे हैव गॉट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन कलकत्ता एंड ए डीजल मैन्युफैक्चरिंग डीजल इंजन फॉर शिप्स इन द रांची। सो इट हैज़ ए लार्ज कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर फॉर शिप मॉडलिंग डिजाइन। देर आर फोर वर्कशॉप्स फॉर प्लेट प्रिपरेशन एंड स्टील फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चर ऑफ सबमरीन्स वॉरशिप्स एक्सेट्रा। आपको मालूम है कि अभी जर्मनी से और फ्रांस से 6-6 सबमरीन्स का जो है ऑर्डर मिला है इंडिया को। इसको मिला है कि नहीं मिला है अभी मालूम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो वॉरशिप बनाती है, सबमरीन्स बनाती है, तो इसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए एक और इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखते हैं दोस्तों, और वो इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या है, तो उस इकोनॉमिक पैरामीटर पे हम चलते हैं। और ये जो इकोनॉमिक पैरामीटर है कि जो एक पर कैपिटा यूएस डॉलर जो है, अमेरिका को एक आदमी के ऊपर 76,643 डॉलर का कर्जा है हर आदमी के ऊपर। यूनाइटेड किंगडम में 129,203 डॉलर का कर्जा है। फ्रांस के अंदर 107,245 डॉलर का कर्जा है हर आदमी के ऊपर। जर्मनी के अंदर 77,607 है। ज़रा देख लेते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर है। इंडिया का नंबर है 19। और मेरे और आपके ऊपर जो कर्जा है, जो हम को देना है, वो है सिर्फ 437 डॉलर। दोस्तों 437 डॉलर का मतलब हो गया आज की तारीख में रफली अबाउट 36,000 रुपीज़। क्या होता 36,000? कुछ नहीं होता। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो रियली रियली ग्रो हो रही है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और हमारा कोई ऐसा, हम लोग जो पॉलिटिशियंस हैं बहुत बोलते हैं कि इंडिया का कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया। ज़रा देखो ज़रा बाकी कंट्रीज़ का क्या हाल है। और कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनका बिल्कुल सत्यानाश हुआ पड़ा है। और सबसे बड़ा जिसने उधार लिया हुआ है वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूके एंड फ्रांस, इंक्लूडिंग जर्मनी। हमारी कंडीशन उसके मुकाबले बहुत अच्छी है। मुबारक हो हमारे जो आरबीआई गवर्नर साहब का और गवर्नमेंट का, जिन्होंने जो कर्जा है उसको लिमिट करके रखा हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे दोनों हाथों में लड्डू है, हम खा भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, और कर्जा भी हमारे ऊपर नहीं है। चलिए तो गार्डन रीच के बारे में हमने देख लिया, चौथा स्टॉक। इसके बाद अगला स्टॉक देखते हैं, दैट इज इंटेलेक्ट डिज़ाइन। दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि 2013 में हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 2,20,00,000 लोग टैक्स देते थे। आज हम खड़े हैं 2023 में, 10 साल बाद 7.5 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर जो टैक्स जो आरबीआई कलेक्ट करता है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करता है, वो 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है। हमारी जो कहानी लिखी गई है हिंदुस्तान की, या लिखी जा रही है, बहुत बेहतरीन कहानी है। और इसीलिए हमारी जो शेयर मार्केट है वो शेयर मार्केट भी जो है अगले 10 साल कहीं नहीं जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल डिज़ाइन अरेना, ये कंपनी है, आईटी कंपनी है ये भी। फ्रेंड्स जी, मैं Q1 के रिजल्ट्स आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं, राइट? तो आप देखिए इसकी जो सेल है 362 करोड़ से 423 करोड़, 411 से लेके 423 करोड़, और ये कंटिन्यूसली है, करीब करीब ये इंक्रीज ही होती रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्चुअली क्या होता है कि जो सेल्स रेवेन्यू है, जो प्योर सेल्स रेवेन्यू है, एक्सेप्ट एडिशनल इनकम एंड एक्सेप्ट अदर इनकम, तो जो एक्चुअल रियल जो सेल्स रेवेन्यू है उसके अंदर से आप जो है सेलिंग एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल दीजिए, बाकी जो बचता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है यहाँ पर 73 करोड़ से बढ़ के 89 करोड़ हो गया। तो मतलब कितना हो गया है, ये करीब करीब ऑलमोस्ट अबाउट 35% हो गया। आप नेट मार्जिन देखिए क्वार्टर टू क्वार्टर तो कमा ली है, 25% बढ़ गया, और ऐसे ही जो ईयर टू ईयर है 10% बढ़ गया।
दोस्तों ये जो कंपनीज हैं, मैं इसीलिए बोलता हूँ हमेशा जब भी हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो उन कंपनीज में काम करते हैं विच आर हाईली हाईली सिलेक्टिव। ये जो भंगार या कूड़ा कंपनियाँ हैं ये कूड़ा ही कमा के देंगी या आपके जो पूंजी है उसको ख़राब कर देंगी। तो हमेशा आप ऐसी कंपनीज में काम करिए जिनका सेल्स भी ऊपर ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा है कंटिन्यूसली, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर। शेयर मार्केट में 6,000 कंपनी है, आपको 40-50 कंपनी में चुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल इंटरनेट डिज़ाइन अरिना के Q1 रिजल्ट तो फैंटास्टिक थे, और अब देखते हैं कि ये करता क्या है। इंटरनेशनल इंटरनेट डिज़ाइन अरिना इज ए लीडिंग फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म, इट गिव्स फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर कॉरपोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, इट हैज़ ग्लोबल ट्रांजेक्शन एंड इट हैज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हकीकत में तड़का है, राइट? तो दोस्तों आगे जाने से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जो शेयर्स जिनकी मैंने आपसे बात करी है इनकी जो है रियल पोजीशन एज ऑफ नाउ क्या है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पर अपने charting.com पे। ये देखिए charting.com है, मैंने इसको लिया हुआ है। अभी देखिए यहाँ पर ज़रा मैं थोड़े से एडजस्टमेंट आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जो मूविंग एवरेजेस है, इन मूविंग एवरेजेस को यहाँ से हटा देता हूँ और ये 5 नंबर पे डाल रहा हूँ, मूविंग एवरेज ऑफ 2। और ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है, इस कैंडलस्टिक चार्ट को मैं क्लोजिंग प्राइस चार्ट कर देता हूँ एंड इट इज़ लाइक दिस। नाउ अगर आप देखें फ्रेंड्स के जो निफ्टी है, निफ्टी अभी भी गिरने को तैयार है, अभी भी इसने पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया है। हकीकत में निफ्टी तो गिरी रहा है 19,880 से लेकर अब ये आज है 19,300 करीब, 750 पॉइंट निफ्टी तो गिर चुका है, राइट? तो ये देख लेते हैं कि हमने जो स्टॉक्स जो हमने डिस्कस किए हैं उनकी क्या हालत है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन देख लेते हैं, इंटेलेक्ट डिज़ाइन अरिना। इंटेलेक्ट इसको जब भी हम देखते हैं फ्रेंड्स, हम हमेशा देखते हैं इनको वीकली चार्ट्स के ऊपर टू बी डबली श्योर। तो आप ये देख लीजिए शेयर मार्केट जो है वो 500-700 पॉइंट डाउन हो गई है, लेकिन ये जो हमारा स्टॉक है ये डाउन नहीं हुआ है। फाइन, वी सी जेंसार टेक्नोलॉजीज देख लेते हैं दोस्त, क्या ये गिरा है? नहीं, अभी तक नहीं गिरा है और हो सकता है ये ऊपर चला जाए या नीचे भी आ सकता है। अगर नीचे आता है तो आप बाहर निकल जाइए। बीकाजी फूड इंटरनेशनल, ये नीचे गिर गया है और इसको नीचे गिरने दीजिए। जब ये वापस ऊपर आए, इस टाइप से पैरेलल हो जाए, ये जो है प्राइस लाइन है, ये मूविंग एवरेज ऑफ टू है, रेड अभी दोनों पैरेलल हो जाए और घड़ी के अंदर 10:10 बजाए तभी आप इसके अंदर एंट्री लीजिए। अब ये देख लेते हैं कोचीन शिपयार्ड को देख लेते हैं क्या हालत है इसकी वीकली चार्ट्स के ऊपर। ये एकदम ज़बरदस्त ऊपर है, आप देख लीजिए, ये तो 10:05 घड़ी में जैसे सुइयां बताती हैं ये उस तरीके से है। फाइन, तो दोस्तों मैंने आज आपसे बहुत बातें करी हैं और मैंने ये भी आपको बता दिया कि हमारे जो चार्ट्स हैं वो आज की तारीख में चार्ट्स क्या कह रहे हैं, ठीक है? आप बस ऐसे स्टॉक्स चुनिए जिनके के तीनों पैरामीटर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हो। मैंने आज आपको दोबारा वेबसाइट्स बता दी हैं, थोड़ी इकोनॉमी की बात भी कर ली आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग है। जो पर कैपिटा डेट है वो शायद बहुत ही कम है, 36,000 का तो कुछ डेट होता ही नहीं है। तो बस आप अगले 5-10 साल तक जो हैं बिल्कुल बुलिश हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। शेयर मार्केट में ट्रेड करिए और मेरे साथ पैसा कमाइए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड वी विल लर्न टुगेदर। प्लीज़ वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑन शेयर मार्केट। हैव ए नाइस डे।